ताज़ा खबर आपसे शेयर करें। सागडार को वजीर खारजा का कलमदान देने का फैसला है। ज़राए के मुताबिक जलील अब्बास जिलानी मुशीर खारजा और तारिक फातमी को मुआवर खसूसी खारजा मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। वफाकी काबीना से मुतालिक मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ बशीर चौधरी से। आसिफ अपडेट कीजिएगा। बाखबर ज़राए ये बता रहे हैं कि वफाकी काबीना की तश्कील के हवाले से जो हतमी फैसले हैं वो कर लिए गए हैं, और इन्हीं फैसलों के मुताबिक जो मालूमात जियो न्यूज़ को हासिल हुई हैं उसके मुताबिक इसहाक डार जो हैं उनको वजारत खारजा का कलमदान देने का हतमी फैसला हुआ है, जबकि जलील अब्बास जिलानी जो हैं वो मुशीर खारजा होंगे। इसके अलावा तारिक फातमी जो हैं वो मुआवन खसूसी बराए उमूर खारजा होंगे। इस तरह ये पूरी एक टीम जो है ये खारजा अमूर को देखेगी। इसके अलावा औरंगजेब खान जो हैं उनको मुशीर खजाना और मोहसिन नकवी जो हैं उनको मुशीर दाखिला बनाया जाएगा। इसके अलावा शमशाद अख्तर को मुआवन खसूसी बराए खजाना बनाए जाने का भी फैसला किया गया है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ वजारत दिफा का कलमदान संभालेंगे, जबकि अताउल्लाह तारर जो हैं वो वजीर इत्तला तो नशरियात होंगे। मुसद्दिक मलिक को वजारत तवानाई का कलमदान सौंपने का फैसला किया गया है, जबकि एहसन इकबाल वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की जो है उसका कलमदान संभालेंगे। इसी तरह वकार मसूद को रेवेन्यू और गोहर एजाज को वजारत तजारत में जिम्मेदारियां दिए जाने का फैसला किया गया है। गाजी अख्तर को इंडस्ट्रीज और सलमान अहमद को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की का कलमदान देने का फैसला किया गया है, जबकि फवाद हसन फवाद को निजकारी का कलमदान देने का फैसला भी किया गया है। अच्छा आसिफ, इत्तेहादी नजर नहीं आ रहे मुमकिन तौर पर, लाइक एमक्यूएम पाकिस्तान का कोई नजर नहीं आ रहा काबीना में, इसके बारे में कोई फैसला होना है क्या? जी ये तो जो इत्तेहादियों की तरफ से जो नाम आने हैं वो नाम सामने आने के बाद उनके ऊपर फैसला किया जाएगा। ताहम हमारी इतलात के मुताबिक उनकी जानिब से नाम भिजवा दिए गए हैं और वो मुस्लिम लीग नून की जो क्यादत है वो मुशावरत के बाद उनकी हतमी मंजूरी भी हल्फ बरदारी की तकरीब से कबल दे देगी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ हमें अपडेट करने के लिए।